धरना बंद करो, बंद करो, विपक्ष पर हमला बंद करो, बंद करो। राहुल गांधी के बयान जो सच्चाई की बुनियाद पर उसका बयान था, मानहानि का केस करके राहुल गांधी का सदस्यता रद्द कर दिया गया। पार्लियामेंट में राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि लोकतंत्र पर खतरा है। चोर को चोर कहेंगे तो गिरफ्तारी होगी, सदस्यता समाप्त होगी। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, माले के लोग अब सड़क पर उतर गए। राहुल गांधी का सांसद का सदस्यता खत्म हो गया, पर अब माले के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ सीपीआई माले के विधायक दल के नेता महबूब आलम है, सड़क पर उतर गए, प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से सूरत के कोर्ट के जरिए राहुल गांधी के बयान जो सच्चाई की बुनियाद पर उसका बयान था, मानहानि का केस करके राहुल गांधी का सदस्यता रद्द कर दिया गया पार्लियामेंट में, ये लोकतंत्र पर खतरा है, ये फांसीवाद का नंगा नाच है। और नरेंद्र मोदी को बताना होगा कि ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, अडानी, विजय माल्या से आपका रिश्ता क्या है? जब पार्लियामेंट में ये सवाल उठता है कि हिंडन वर्ग के रिपोर्ट पर अडानी के संपत्ति की जांच क्यों नहीं हो रही है, जेपीसी की का गठन क्यों नहीं हो रहा है, तो ललित नरेंद्र मोदी भाग रहे हैं। नरेंद्र मोदी का समर्थन है इन चोरों के प्रति। और जिस तरह से आनंद फानन में राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि लोकतंत्र पर खतरा है, संविधान पर खतरा है, भारत की संप्रभुता पर खतरा है, जुडिशियरी पर खतरा है। इन तमाम खतरों के विरोध में आज विपक्ष की आवाज़ एक है। हम लोगों ने कल बिहार विधानसभा में तमाम विपक्ष मिलकर के विरोध प्रदर्शन किया है और आज पूरे देश में, पूरे भारत में, पूरे बिहार में भाकपा माले के जरिए विपक्ष का प्रदर्शन हो रहा है। पर कहीं ना कहीं केंद्र के जो सरकार है उनका कहना है कि जो सही है वो सही है, गलत किए हैं तो कार्रवाई तो होगी। सही ये नहीं है, अगर सही होता तो आनन फानन में उनकी सदस्यता रद्द नहीं होती। हिंदुस्तान में पहली बार, हिंदुस्तान में पहली बार केरल में आप भाषण दोगे और गुजरात कोर्ट सजा देगी, आप बिहार में बोलोगे और असम की पुलिस आकर के गिरफ्तार करेगी। ये मोदी की सरकार चोरों को बचाने में लगी हुई है। नीरव मोदी चोर क्या नहीं है, मेहुल चौकसी चोर नहीं है, और क्या ललित मोदी चोर नहीं है? हजारों करोड़ रुपया बैंक को लूट करके भाग गया है। लोग तो ठीक ही कह रहे हैं, गांव से आवाज उठ रही है, शहर से आवाज उठ रही है कि दो आदमी देश को बेच रहा है और दो आदमी देश को खरीद रहा है। चोर को चोर कहेंगे तो गिरफ्तारी होगी, सदस्यता समाप्त होगी। ये हिंदुस्तान का ये रवायत नहीं रहा है, ये हिंदुस्तान का संविधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला नहीं टिकेगा और मोदी सरकार को जाना होगा। एक सीएसडीएस की रिपोर्ट आ गई है कि 2024 में मोदी सरकार जा रही है। इस डर की वजह से कि हमारी सरकार 2024 में चली जाएगी, तमाम विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दो, विपक्ष मुक्त भारत बना दो, ये मोदी का सपना है। हिंदुस्तान कभी भी तानाशाहों को बर्दाश्त नहीं किया है, मोदी जी को जाना होगा और 2024 में संविधान लोकतंत्र की जीत होगी। ये लड़ाई सड़कों पर आ गई है, अब सड़कों पर भी इस लड़ाई का आमने सामने मुकाबला होगा। मोदी को जाना होगा, देश बचेगा, संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा। तो देखिए, तमाम जो माले के विधायक हैं वो सड़क पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ तौर पे कहना है कि अब केंद्र से मोदी सरकार को हटना होगा, सड़क पर उतरेंगे और सब जगह प्रदर्शन करेंगे। कहीं ना कहीं कहना है कि केंद्र सरकार के लोग विपक्ष मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, जो कि हम लोग होने नहीं देंगे। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव सीरीज के साथ। लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल भूलें। धन्यवाद।